नमस्कार इंसियार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। दोस्तों बचपन में आपने उस लकड़हारे की कहानी तो सुनी ही होगी जिसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। नहीं सुनी, कोई बात नहीं। अच्छा वो वाली कहानी तो पक्का सुनी होगी जिसमें लालच बुरी बला है कि सीख मिलती थी। हर किसी का बचपन इन्हीं किस्से कहानियों को सुनकर बीता है जिसमें ईमानदारी और लालच बुरी बला जैसी मोरल सीखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं इन मोरल्स को भूलते जाते हैं और लालच में पड़ने लगते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भाई टीकरी का जो भी कोई आदमी हो गांव में पहुंचे गांव में ही उनके कंबल मिलेंगे। ठीक है एक बार आप मंगवा लो दोनों। आया कुछ समझ? ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के मेरठ का। ये भीड़ भाड़ देखकर आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? हम बताते हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि नमूना है इस बात का कि किस तरह से ये नेता लोग जनता को लालच देकर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव करीब है ये बात तो आप सब जानते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव मेरठ में आज कंबल वितरण करने पहुंचे। महज एक कंबल के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है आप देखिए जरा। कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो और वहां भीड़ ना हो ये तो नामुमकिन है, और जहां इतनी भीड़ हो वहां भगदड़ ना हो, कोई जख्मी ना हो, किसी को चोट ना लगे, ये भी संभव नहीं है। तो बस फिर होना क्या था? शिवपाल यादव के लालच, लालच क्या, शिवपाल यादव के कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मच गई जिसका खामियाजा कंबल लेने आए लोगों को भुगतना पड़ा। कंबल मिला या नहीं मिला ये तो नहीं पता, लेकिन घाव जरूर मिल गया। हम तो आप सबसे बस इतना ही कहेंगे कि सरकार से कंबल की मांग ना कीजिए बल्कि अपने अधिकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, देश के बेहतर भविष्य की मांग कीजिए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनसीआर मीडिया। नमस्कार।